खुलने के एक दिन बाद ही परवाणु पुष्प मंडी बंद हो गई। मंडी में ना कोल्ड स्टोर है और ना ही पानी और शौचालय की सुविधा मुहैया करवाई गई है। सुविधाओं के अभाव में व्यापारी परवाणु मंडी पहुंचने से ही गुरेज कर रहे हैं। इस कारण प्रदेश की पहली पुष्प मंडी एक दिन बाद ही बंद हो गई। सुविधाओं के अभाव के चलते पुष्प मंडी में सोमवार को कारोबारी ही नहीं पहुँचे, इससे फूल उत्पादकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। आनन फानन में सरकार ने मंडी शुरू तो करवा दी, लेकिन इसमें अभी तक ना तो शौचालय है और ना ही बिजली पानी का कोई इंतजाम है। फूलों को रखने के लिए कोल्ड स्टोर तक की व्यवस्था नहीं की गई है। मंडी के परिसर का निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है, जिससे मिट्टी और धूल भी उड़ रही है। यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जब तक सुविधाएं नहीं मिलेंगी व्यापारी यहाँ पर नहीं आएंगे। व्यापारियों ने ये बात साफ तौर पर कह दी है। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु स्थित प्रदेश की पहली पुष्प मंडी का कई माह पूर्व शुभारंभ तो हुआ, लेकिन अब तक यहां कारोबार शुरू नहीं हो पाया है। परवाणु में करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार पुष्प मंडी का अनावरण 7 जनवरी को कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा किया गया था। इसे जनता की भारी मांग बताते हुए जल्द से जल्द शुरू करने के इरादे से इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन इस मंडी में आज तक एक भी फूल विक्रेता अपने फूल लेकर नहीं पहुँचा। सुविधाओं के अभाव में वर्ल्ड बैंक से आया पैसा खर्च करने की नियत से सरकार ने फूल मंडी का निर्माण कर न केवल प्रदेश पर कर्ज बढ़ाया है, बल्कि जनता का भी अप्रैल फूल बना दिया। आपको बता दें कि परवाणु की सेब मंडी से सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी हर साल होती है, लेकिन सरकार द्वारा मंडी को विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कभी नहीं किए गए। वहीं पुष्प मंडी के नाम पर अधूरी व्यवस्था के बाद भी माननीय मंत्रियों द्वारा उद्घाटन सरकार की लापरवाही की ओर इशारा करता है। लोगों की माने तो सरकार द्वारा पुष्प मंडी का निर्माण बिना किसी मांग के किया गया है। बिना कोल्ड स्टोर और फूलों को लाने ले जाने की व्यवस्था के बिना मंडी का अनावरण बिल्कुल ऐसा है जैसे खजूर का पेड़। एपीएमसी के अधिकारियों के अनुसार हिमाचल में 15 से 20 किस्म के फूलों की खेती की जाती है, जो कि फरवरी अंत में या मार्च में बाजार में आते हैं, लेकिन अब मई माह शुरू हो चुका है और अब तक फूल मंडी का काम अधूरा पड़ा है। अहम बात यह है कि उन फूलों को परवाणु तक लाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना ही उन फूलों को कोल्ड स्टोर का कोई इंतजाम एपीएमसी या सरकार द्वारा किया गया है। हिमाचल के बागवानों के पास फूलों को मंडी तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सरकार द्वारा फूलों के भंडारण के लिए कोई कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की गई है। वहीं सरकार द्वारा परवाणु मंडी की शुरुआत अभी तक अच्छे से नहीं हुई है और सरकार ऊना में एक और पुष्प मंडी बनाने की तैयारियां कर रही है। हिमाचल के फूल उत्पादकों के पास इतनी मात्रा में फूल नहीं होते हैं कि वे इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचने के लिए ले जा सकें। ना ही सरकार के पास कोई फूल उत्पादन और बिक्री के लिए कोई जमीनी योजना है।